आज हम बनाएंगे व्रत में खाने वाला सिंघाड़े का आटे से पूड़ी बनाएंगे और ये दही और आलू से हम सब्जी बनाएंगे। और ये सामग्री लिए हैं, सिंघाड़े का आटा और ये चार उबले हुए आलू और ये गेंदा नमक, काली मिर्च का पाउडर, चार हरी मिर्ची, धनिया पत्ता और ये दही। सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे, रिफाइन तेल डाल रहे हैं, ये व्रत के लिए बना रहे हैं। अब हम इसमें जीरा डालेंगे। अगर आपको जीरा खाना हो व्रत में तो जीरा खाइए, न तो स्किप कर दीजिए। मैं तो जीरा डाली हूँ इसमें और ये जीरा चटकने लगा। चार मिर्ची डालेंगे, भुना गया। अब हम इसमें आलू डालेंगे, आलू हमने तोड़ लिया है छोटा छोटा टुकड़ों में, इसे हम मिला लेंगे आलू को। आलू को हम हल्का भून लेंगे दो मिनट। मिर्च का पाउडर डालेंगे इतना, आधा चम्मच। गेंदा नमक स्वाद के अनुसार। और हम इसे मिला लेंगे। ये धनिया पत्ता डालेंगे, दही मैं फेंट ली हूँ। अब हम इसमें डालेंगे, इसको हम चला लेंगे, नहीं चलाएंगे तो ये फटने का डर रहता है। दही थोड़ी देर तक मैं पकाऊंगी इसे, दो तीन मिनट तक। ये सब्जी बन गई है, अब मैं गैस बंद करूंगी। ये आटे को डालेंगे इसमें गूंथने के लिए, सिंघाड़े का आटा। और हम ये आलू को हम घिस लेंगे। इसमें हम ये सेंधा नमक, सब्जी में नमक डाली हूँ और ये काली मिर्च का पाउडर, धनिया पत्ता और ये हरी मिर्च। अब मैं इसे गूंथ लूँगी आटे को। इसे हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंथेंगे आटा को। अब ये आटा गूंथ ली मैं। अब हम तेल गरम कर रहे हैं, तेल डाल दिए हैं इसमें, रिफाइंड तेल है। लेंगे और ऐसे दबा के और ऐसे। अब तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे पूरी। पूरी बन गई, अब मैं निकालूंगी इसे पूरी को। अब हम व्रत के लिए थाली लगाएंगे। व्रत में खाने के लिए ये पूरी सब्जी बनके तैयार हो गया। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।